हेलो एंड वेलकम है कि दोस्तों, भाई साहब 2023 में हमने इस साल बॉलीवुड की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा है। इस बार बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हमें इंडियन सिनेमा से देखने को मिली है, ना कि सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि हमें साउथ इंडस्ट्री से भी दमदार मूवी देखने को मिली है। एक तो रनिंग में अभी चली रही है करंट में कौन, लियो, और उसके बाद हमने पठान देखी है, जवान देख ली, कदर 2 देख ली, और भाई साहब आपको मालूम नहीं है इस टाइम पर आते आते लोगों की जेब हो चुकी है ढीली। लेकिन अभी सिर्फ ये ट्रेलर है, इसके बाद अभी नवंबर से जो मूवीज आएंगी, जबरदस्त मूवीज आने वाली हैं। टाइगर 3 आने वाली है, एनिमल मूवी आने वाली है, उसके बाद डंकी, सालार। भाई डंकी और सालार का तो कुछ कहना ही नहीं है, इनका जो बिगेस्ट क्लैश चल रहा है। ये मूवी अभी आने के लिए 2 महीने पूरे हैं, और एक बार के लिए मैं कहूँ तो डंकी का जो हाइप है, सालार का जो हाइप है, टाइगर 3 के लिए इतना हाइप नहीं चल रहा है। बल्कि टाइगर 3 अभी आने वाली है अराउंड 17 से 18 दिन बाद ये मूवी आ जानी है, लेकिन टाइगर 3 के लिए उतना हाइप नहीं चल रहा है जितना डंकी मूवी के लिए हाइप चल रहा है। मतलब छोटी सी छोटी अपडेट को इतने सॉलिड तरीके से दिखाया जा रहा है, और देखा जाए तो डंकी के मेकर्स अभी ऑफिशियली इतने एक्टिव नहीं हुए हैं। हालांकि जो पोस्टर उनका रिलीज हुआ था कि 21 दिसंबर को ये अपनी मूवी इंटरनेशनली रिलीज कर देंगे, वो भी खुद ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से नहीं आया, राजकुमार हिरानी की तरफ से नहीं आया या शाहरुख खान की तरफ से नहीं आया। ये चीज़ वही मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियली इतना मेकर्स एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है डंकी की। अभी से डंकी की हो गई, सालार की हो गई, ये 2 मूवी की बहुत ज़बरदस्त हाइप चल रही है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मूवी का क्लैश बहुत शानदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, और मूवी को यहाँ पर डिप देखने को मिलेगा दोनों को। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, डंकी भी अपनी कमाई करके ले जाएगी और सालार भी अपनी कमाई करके ले जाएगी। लेकिन बात अभी डंकी की करेंगे तो डंकी के टीजर के लिए बहुत मांग उठाई जा रही है। 2 नवंबर जैसे जैसे हमारे पास आते जा रहा है, वैसे वैसे एक्साइटमेंट फैंस का बढ़ते जा रहा है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि 2 नवंबर को अपने शाहरुख खान का बर्थडे है, और पिछले साल 2 नवंबर में क्या हुआ था, पठान का टीजर देखने को मिला था, मोस्ट मच अवेटेड मूवी, जिसने जो आग लगाई, जो दम फाड़ा है भाई थिएटर हाउस में, वो हम सब जानते ही हैं। तो डंकी के लिए ये बेस्ट मोमेंट ही हो सकता है, शाहरुख खान के लिए ये बेस्ट मोमेंट हो सकता है कि उनकी मूवी का टीजर अगर उनके बर्थडे पे ना रिलीज कराया गया, तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। ये चीज़ सालार वालों ने खो दिया, मतलब सालार के मेकर्स ने खो दिया, क्योंकि प्रभास का अभी परसों या नरसों ही बर्थडे गया है, और उस टाइम पर उन्होंने कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, और उस दिन जो हमने हाइप देखी थी भाई सालार को लेकर, फुल डे सालार चल रहा था, प्रभास चल रहा था, और कुछ नहीं चल रहा था, ना डंकी चल रहा था, ना टाइगर 3 चल रहा था, ना लियो चल रहा था। बल्कि इन मूवीज की मैं बात जो कर रहा हूँ, ऐसी हाइप है, बहुत ज़बरदस्त हाइप है। लियो की जो हाइप चल रही है, सॉलिड हाइप चल रही है। तो डंकी का अगर मैं बताऊं तो यस, 2 नवंबर को टीजर आना ही आना है, और डेफिनेटली आना है, क्योंकि उसके बाद देखो कम समय ही क्या बचता है, 1.5 महीने का समय बचेगा, और इतनी बड़ी मूवी है, आपको 1.5 महीने 2 महीने पहले एक्टिव रहना पड़ेगा। जवान के मेकर्स में क्या हुआ, जवान में भी पहले 2 महीने तक ज़बरदस्त एक्टिव रहे थे ये लोग। पठान के टाइम पर इतना प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन फैंस ने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस मूवी को, वर्डिंग माउथ जो हम कहते हैं, वर्डिंग माउथ से ये मूवी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। बट जवान के टाइम पर लोग मेकर्स काफ़ी एक्टिव थे, डंकी के टाइम पर भी अब मेकर्स काफ़ी एक्टिव है। जो राजकुमार हिरानी का जो नाम जुड़ा है ना यार, यही काफ़ी है इसके लिए। राजकुमार हिरानी की प्रीवियस फिल्म ले लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सॉलिड चीज़ बताऊँगा, राजकुमार हिरानी के शायद फ्रेंड हैं या कोई भी हैं बूमन ईरानी, आप इनको जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में राजकुमार हिरानी की जो प्रीवियस मूवीज़ हैं, बूमन ईरानी का इनका रोल होता है, काफ़ी रोल मतलब इनके पास है। मुन्ना भाई MBBS ले लिए, PK मूवी ले लिए, 3 Idiots ले लीजिए, इन सब में आपको बूमन ईरानी देखने को मिल जाएंगे, और सॉलिड काम करते हैं, फैंटास्टिक फेबुलस काम करते हैं। तो उन्होंने कल एक पोस्ट किया था या ट्वीट किया था डंकी की काफ़ी अच्छी तारीफ़ करते हुए, अच्छा खासा उन्होंने डंकी के बारे में बोला है, इसकी स्टोरी डिफरेंट है, ये मज़ा आने वाला है, तो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ डंकी के फेवर में बोला था। तो यहाँ से ना एक चीज़ ये क्लियर होते नज़र आ रही है, या बूमन ईरानी का भी यहाँ पर रोल होने वाला है, या एक छोटा मोटा कैमियो होने वाला है शायद, या फिर कैमियो के रूप में, या फिर पूरा रोल ही होने वाला है, क्योंकि डंकी की कास्ट हमें प्रॉपर पता है नहीं अभी, हमें अभी सिर्फ शाहरुख खान का ही पता है। स्टोरी लाइन भी अगर देखें तो कुछ ना कुछ र्यूमर्स हैं, छोटा मोटा निकल के आ रहा है कि
डंकी की कहानी एक इलीगल वर्कर्स के रूप में दिखाया जाएगा जो अलग देश में, मतलब जो दूसरे देश में जाकर इलीगली जाके काम वाम करते हैं, उस टाइप की ये कहानी दिखाई जाएगी जो आजकल इंडिया में, बाकी इंडिया के आसपास जो भी कंट्री है, मतलब जो पुअर कंट्रीज हैं, वो काफ़ी देखने को मिलता है। एक रिच कंट्री में लोग जाते हैं पैसे कमाने के लिए या फिर कमाई के लिए, तो डंकी का जो है ना मोस्ट ऑफ द थीम इसी में होने वाली है। 3-4 दिन पहले जो पोस्टर रिलीज करा गया था वो यूरोपियन कंट्री से लेकर इधर गल्फ कंट्री से लेकर इधर नीचे अपने इंडिया तक का जर्नी दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़, ये छोटा मोटा स्टोरी लाइन अभी सुनने में आ रहा है, समझ निकल के आ रहा है, तो कहानी क्या होने वाली है वो टीजर में ज़रूर पता लग जाएगी। और टीजर को आने के लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 7-8 दिन बचे हैं, और 7-8 दिन बाद हमें टीजर देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही टीजर आएगा हमें कहानी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। खैर, टीजर के लिए आप लोगों को कितना वेट है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को कितना वेट है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।